वेलकम बैक माय फ्रेंड्स टू फैन ब्लेज। आज है चेन्नई सुपर किंग्स का मैच वर्सेस आरसीबी एंड ये जो आईपीएल एक्शन है वो आज शारजा शिफ्ट हो रहा है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट फैंटेसी टीम्स, बेस्ट फैंटेसी प्रीव्यू है अलॉन्ग विथ, जैसे हमेशा मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे वीकेंड आता है, 5K फ्री लीग कोड एज वेल। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, पिछले 2-3 मैचेस से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे फैन ब्लेज पे अबाउट बल्लेबाजी। पहली चीज, मैंने बल्लेबाजी से बात की है, उन्होंने बोला है कि वो रिफंड दे चुके हैं जिन्होंने भी पासेस लिए थे आईपीएल के एंड जो एक्सपायर हो गए एंड और रिफंडिंग की प्रोसेस पे हैं। मेरे वीडियोस पे आके कमेंट करके कोई फायदा नहीं होएगा। इंस्टेड अगर आपकी और कोई क्वेश्चंस हैं एंड क्वेरीज हैं, support@ballebazi.com यहाँ पे ईमेल करिए एंड आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं पर्सनली बहुत हार्ड वर्क डालता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियोस लाने में, पूरा दिन रिसर्च करता हूँ टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल, सो प्लीज अप्रिशिएट दैट इंस्टेड ऑफ हेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। एनीवे आगे बढ़ते हैं, चेन्नई बैंगलोर फ्रॉम शारजा, मैं हूँ अकुल ढिंगरा एंड लेट अस बिगिन। हेड टू हेड चेन्नई 89 से आरसीबी से आगे है, लास्ट 5 गेम्स में 3-2 से डोमिनेट करती है, लास्ट 10 गेम्स देखिए 8-2 से चेन्नई आरसीबी को डोमिनेट करती है। पिछले आईपीएल दोनों टीम्स ने एक एक मैच जीता और इस आईपीएल अर्लियर फर्स्ट लेग में चेन्नई ने बुरी तरह से आरसीबी को हराया। ओवरऑल चेन्नई सेकंड पोजीशन पे बैठी है ऑन दैट पॉइंट्स टेबल विद 6 विंस एंड 2 लॉसेस। इस सेकंड लेग के फर्स्ट मैच में भी मुंबई को हरा चुकी है। आरसीबी बैठी है थर्ड प्लेस पे ऑन दैट पॉइंट्स टेबल विद 5 विंस एंड 3 लॉसेस एंड ये बहुत बुरी तरह से केकेआर से सेकंड लेग के फर्स्ट मैच में हारे हैं। हाईएस्ट स्कोर टीम्स के बीच 208 पे 5 चेन्नई का, लोएस्ट स्कोर 70 ऑल आउट आरसीबी का एंड सबसे ज्यादा रन्स एक फार फ्रॉम हिज प्राइम एमएस धोनी, 737 रन्स, 142 का स्ट्राइक रेट है इसका वर्सेस आरसीबी। पिछले मैच में सिर्फ 2 नॉट आउट ऑफ 3 बॉल्स मारे एंड दूसरी तरफ एक आउट ऑफ फॉर्म आउट ऑफ सॉर्ट्स विराट कोहली, बट लुक एट द नंबर ऑफ रन्स ही हैज वर्सेस चेन्नई, 909 रन्स एंड 8 हाफ सेंचुरीज। अगर पिछले मैच में ये भी फेल हुआ था, 8 ऑफ 7 बॉल्स मारे थे। सबसे ज्यादा विकेट्स वेल इज रवि जडेजा, सर रवि जडेजा व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अगेंस्ट आरसीबी, 15 विकेट, लुक एट दैट इकोनॉमी 6.9 का एंड पिछले मैच में अलोंग विद द 68 ही टुक 3 for 13 इन 4 ओवर्स, सिंगल हैंडेडली इसने वो मैच जितवाया था आरसीबी के अगेंस्ट। दूसरी तरफ यार युजवेंद्र चहल, 13 विकेट है इसकी 7K इकोनॉमी रेट के साथ वर्सेस सीएसके एंड इसके थे 1 for 24 फिगर्स 3 ओवर में पिछली बार। शारजा में हम लोग अगर पिछला आईपीएल देखें जो 12 मैच हुए हैं, हाईएस्ट स्कोर रहा है यहाँ पे 228 पे 4 का दिल्ली का एंड लोएस्ट स्कोर 112 केकेआर का। हाईएस्ट रन चेज रही है 226 की, राजस्थान ने पंजाब के अगेंस्ट किया था पिछले सीजन एंड लोएस्ट डिफेंड कितना हुआ है, काफी हाई स्कोर 177 का स्कोर पंजाब ने आरसीबी के साथ डिफेंड किया था। एंड अब देखिए जो आईपीएल पिछला हुआ था 12 मैच हुए थे इस ग्राउंड पे, 178 रहा था एवरेज फर्स्ट इनिंग्स, 163 एवरेज सेकंड इनिंग्स और 6-6 बिल्कुल इक्वल रहा था बैटिंग एंड बोलिंग के बीच। मगर अगर लास्ट 5 गेम्स देखी जाए जो एंड में ऑफ लास्ट आईपीएल यहाँ पे हुई थी तो स्कोर्स काफी ड्रॉप हो गए थे बिकॉज ये विकेट काफी स्लो हो गई थी, 142 एवरेज फर्स्ट बन गया था एंड 145 एवरेज सेकंड इनिंग्स। एवरेज सेकंड इनिंग्स ज्यादा था बिकॉज वेल एज यू कैन सी लास्ट 5 out of 5 गेम्स बोलिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। चेन्नई ओनली 1 विन हियर, 3 लॉसेस टू द नेम, आरसीबी 2 विन्स टू द नेम एंड 3 लॉसेस टू द नेम ऑन दिस ग्राउंड। अनदर हॉट इवनिंग एक्सपेक्टेड, 35 डिग्रीज टेम्परेचर, 68% ह्यूमिडिटी। कल अबू धाबी में 50-56 के बीच में ह्यूमिडिटी थी एंड ड्यू नहीं आई, बहुत कम आई अगर आई भी, तो नाउ वी कैन सी कि अगर 50s में होती है तो ड्यू कम आती है, 68% आई एम एक्सपेक्टिंग सम ड्यू फॉर श्योर एंड दिस ग्राउंड इज नोन फॉर ड्यू। लास्ट आईपीएल पहले जो 7 इनिंग्स थी इस ग्राउंड पे हर इनिंग्स में 200 से ऊपर स्कोर बना, बाउंड्रीज बहुत छोटी है यहाँ एंड छक्के बहुत लंबे लगते हैं एंड ये विकेट शुरू ऑफ दिस आईपीएल फ्लैट जरूर खेलेगी, तो आज आप 180 प्लस वाला स्कोर एक्सपेक्ट करिए। स्पिनर्स काफी स्ट्रगल किए थे पिछले सीजन यहाँ पे, वेरिएशन बोलर्स आर द वंस टू गो फॉर एंड ओवरऑल अगर देखा जाए इस आईपीएल 50 छक्के यूएई वाले लेग में लग चुके हैं एंड जैसे मैंने बोला ड्यू आती है, टफ टू डिफेंड ऑन दिस ग्राउंड। लास्ट 5 मैचेस देखे जाए 5-0 एडवांटेज है टू द टीम चेजिंग फर्स्ट, सो एक्सपेक्ट द टीम वांटिंग टू विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट टुडे। एंड स्क्वाड्स पे आया जाए तो वेल सीएसके नो नीड टू चेंज, सैम करन बाय द वे इज नाउ आउट ऑफ क्वारंटीन बट हु विल दे रिप्लेस हिम विद, ड्वेन रावो ने पिछले मैच में मैच विनिंग रन्स भी मारे एंड विकेट्स भी 3 ली, कुड दे मेक फैफ डुप्लेसी सिट आउट एंड प्ले द एक्स्ट्रा ऑलराउंडर इन सैम करन और मे बी जॉश हेजलवुड की जगह सैम करन को ले आए, लेट्स सी हमें टॉस के बाद ही पता चलेगा। आरसीबी की बात की जाए सो मे बी दे गेट अ फिनिशर इन टिम डेविड इन इंस्टेड ऑफ वनिंडु हसरंगा एंड फिर दे कैन गेट एन एक्स्ट्रा पेसर इन नवदीप सैनी इनटू दैट प्लेइंग 11 बट अगेन ये आरसीबी है, दे लाइक टू सरप्राइज विद सिलेक्शंस, सो लेट्स सी आफ्टर टॉस क्या होएगा।
I would expect them to go in with the same 11 though. Kaun hai standout performers? Well, Glenn Maxwell versus Ravindra Jadeja ki baat karte hai. To Jadeja has got Maxwell out 5 times in just 36 balls. So that's a battle to watch out for. Yuzvendra Chahal ne bhi Suresh Raina ko 4 baar 50 ball pe out kiya hai. And Virat Kohli dominate karta hai Dwayne Bravo ki bowling. 151 runs, 98 balls mein maare hai. Kabhi bhi out nahi kar paya hai Dwayne Bravo Virat Kohli ko. हर्षल पटेल वर्सेस डुप्लेसी की बात की जाए, 2 आउट है 13 बॉलों में। और हर्षल पटेल वर्सेस राइडू की बात की जाए तो 4 आउट है 36 बॉलों में। पिछली बार आपको याद है रवि जडेजा ने आखिरी ओवर में हर्षल पटेल को 37 रन के लिए मारा था। एंड ऋतुराज गायकवाड़ हैज बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव दिस सीजन, 3 हाफ सेंचुरीज दिस IPL। एंड पिछले मैच में सिंगल हैंडेडली ही वन दैट गेम फॉर CSK, 88 नॉट आउट ऑफ 58 बॉल्स, क्लियरली द बेस्ट नॉक ऑफ दिस IPL टिल नाउ। एंड जो टीम्स के बीच में पिछला इनकाउंटर हुआ था उसके बारे में डिटेल में बात की जाए तो चेन्नई ने पहले बैटिंग की थी, डुप्लेसी ने 50 मारा था एंड जडेजा लुक एट दैट 62 नॉट आउट ऑफ 28 बॉल्स, ही फिनिश्ड दैट मैच ब्यूटीफुली फॉर CSK। हर्षल पटेल 3 for 14 के फिगर्स थे जब वो फाइनल ओवर डालने आया एंड 37 रन के लिए गया ऑफ जडेजाज बैट एंड ही फिनिश्ड विद 3 for 51। CSK finished with 191 for 4. Chase mein Padikkal started strong 34 of 15 but pura rest of the batting order fail hua. Jadeja 3 for 13, Imran Tahir 2 for 16 and all RCB managed was 122 for 9 in 20 overs. To kaun bante hai captain vice captain options aap logo ke liye? Devdutt Padikkal captain option, great one. I'm backing him to score the runs today. Glenn Maxwell once again, the flatter the wicket, the more dominating he is with the bat, maybe bowls a couple of overs as well. And then Ruturaj Gaikwad ka current form dekha jaye to he makes an excellent captain option as well. Vice captain mein Moin Ali top of the order batting karega, wicket flat kheli, he hits sixes with ease and he'll bowl a couple of overs. And then you have AB de Villiers. Yes, pichle match mein fail zarur hua but he's going to come back strong. And GL mein aap Virat Kohli ko vice captain bana sakte ho. Whoever thought ki GL contest mein ek risky option hoega Virat Kohli vice captain, but that's the truth for now. Mere performer predictions dosto, Ruturaj Gaikwad with the bat and Deepak Chahar with the ball for CSK. And RCB se I'm going to go for Devdutt Padikkal with the bat and Harshal Patel with the ball. But mere punt picks, Moin Ali from CSK, Glenn Maxwell from RCB. But seeing the current form, seeing the current confidence of the teams, Chennai Super Kings is my prediction for the win today. आप लोगों को कुछ अलग लगता है तो comment section में जरूर लिखिए। दोस्तों ये थी कल की 10 रुपी लीग KKR versus MI की। Congratulations to the top 10 winners. दोस्तों जो number 1 and number 2 पे है उनका नाम मैं really pronounce कर नहीं सकता, but number 3 पे पूर्विल, number 4 पे नरेश कुमार, number 5 पे भी नरेश कुमार। Remember ये multi-entry leagues होती है, so he has taken full advantage of it. Good going Naresh. Number 6 पे Mandy, number 7 पे Vicky, Savekar number 8 पे and then 9 and 10 again I can't pronounce it. But आज 10 रुपी की जगह free league है आप लोगों के लिए, उसका कोड आगे। But free league की खुशी में please हमें Instagram पे follow करिए Fanblaze Fantasy M and Telegram पे follow करिए t.me/fanblaze. Telegram पे final teams आती है, फाइनल फैंटेसी टीम्स आती है, मल्टीपल सेकंड इनिंग्स की टीम आती है और भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है। सो प्लीज फॉलो ऑन टेलीग्राम एज वेल एंड प्लीज दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैं हूं @AkulDhingra ऑन इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, डू गो अहेड एंड फॉलो एज वेल। एंड बल्लेबाजी की ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डू डाउनलोड द ऐप, नहीं तो आप फ्री लीग कैसे खेलेंगे। दोस्तों ये है दो टीम्स आप लोगों के लिए। टीम वन एक बहुत ही ऑलराउंड सेफ टीम है, AB de Villiers यहाँ पे विकेट कीपर है, ग्लेन मैक्सवेल है, देवदत्त पडिक्कल मेरा वाइस कैप्टन है एंड ऋतुराज गायकवाड़ मेरा कैप्टन है। अगर आप चाहें अपना कैप्टन मोइन अली भी बना सकते हैं। देन आई हैव फैब डुप्लेसी, अंबति रायडू, ड्वेन ब्रावो, मोइन अली, बाय चांस अगर सैम करन खेलता है यू कैन स्वॉप हिम विद ड्वेन ब्रावो हियर, दीपक चहार है द विकेट टेकर, हर्षल पटेल है द विकेट टेकर विद युजवेंद्र चहल। बहुत अच्छा बैलेंस है बैट एंड बॉल के साथ इस टीम का। टीम टू की बात की जाए तो ये बैटिंग डोमिनेटेड टीम है, एक्सपेक्टिंग नॉट टू मेनी विकेट्स टू फॉल, 200 प्लस टोटल्स बीइंग स्कोर्ड। AB de Villiers, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, देवदत्त पडिक्कल मेरा कैप्टन, ग्लेन मैक्सवेल, देन आई हैव फैफ डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड, अंबति रायडू, बाय चांस फैफ की जगह सैम करन खेलता है आई विल पिक सैम करन देयर, आई हैव रवि जडेजा एज माय वाइस कैप्टन, आई हैव वनिंडु हसरंगा एज वेल विद मोहम्मद सिराज एंड शार्दुल ठाकुर, एंड अगेन चाहे तो दीपक चहार को शार्दुल ठाकुर की जगह यहाँ पे डाल सकते हैं। फाइनल टीम्स हमेशा की तरह टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों ये है 5K फ्री लीग कोड आप लोगों के लिए, CTRCBCSK। रिमेम्बर ये एक सिंगल एंट्री लीग है बट फ्री एंट्री है एंड यू कैन विन रियल मनी, सो मेक श्योर टू गो एंड ज्वाइन दिस लीग। कल और परसों भी एक एक मैच में आप लोगों के लिए फ्री लीग आएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, दिस इज अकुल ढींगरा साइनिंग ऑफ।